सोलन में चीन का विरोध आरंभ हो चुका है, जिसमें सरकारी रेस्ट हाउस के बाहर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चीन के प्रति अपना रोष जताया और चाइना का सामान आग के हवाले कर दिया। इस रोष प्रदर्शन की अध्यक्षता भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर ने की। उन्होंने कहा कि चीन लगातार कायराना हरकतें करने में बाज नहीं आ रहा है और उसने भारत के 20 जवानों पर धोखे से हमला किया जिसमें वे शहीद हो गए। इसलिए युवाओं में भारी रोष है, इसलिए वे चाहते हैं कि चाइना का सभी भारतीय विरोध करें और उसके उत्पाद कोई भी ना खरीदे। इस मौके पर युवाओं ने चाइना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके राष्ट्रपति चिनपिंग का पुतला भी जलाया। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि चाइना ने बॉर्डर पर न केवल नियमों की उल्लंघना की बल्कि धोखे से निहत्ते भारतीय जवानों पर हमला भी किया, जिसके चलते 20 जवान शहीद हो गए। आज समूचे भारत वर्ष में भारी रोष है, इसलिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया और चाइना में बने माल को आग के हवाले कर सभी शहरवासियों से चाइना का विरोध करने का आग्रह किया गया। उन्होंने बताया कि चाइना में बने उत्पादों का बहिष्कार कर हमें बिना किसी लड़ाई के चाइना को हरा सकते हैं, इसलिए भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को चाइना में बने किसी उत्पाद को खरीदना नहीं चाहिए। मैं नरेंद्र ठाकुर, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सोलन। आज हमारे जिला के सभी कार्यकर्ताओं और सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर जिस तरह से चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार किया है, पिछले कुछ दिनों पहले जैसे आपको विदित है, हमारे सीमाओं पर भारतीय सैनिकों पर चाइना की सैनिकों ने जो पीछे से वार किया है उसकी मैं निंदा करता हूं और हमारे जो 20 सैनिक वहां शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूं। आज पूरे प्रदेशवासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि जितना हो सके चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करें, क्योंकि चाइना अरबों रुपये का कारोबार भारत के दम पर करता है और वो अरबों रुपये पाकिस्तान के साथ मिलकर और चाइनीज सेनाओं ने जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया है उसमें इस्तेमाल होता है। आज हमें आर्थिक रूप से अपने देश को मजबूत करना है और चाइना की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना है। जितना हम चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे उतना ही हमारा देश मजबूत होगा और आने वाले दिनों में मैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जितना हो सके चाइना के साथ जितना भी हमारा व्यापार चल रहा था उसे बंद तुरंत किया जाए और आने वाले टाइम में किसी भी तरह का कारोबार चाइना के साथ ना हो। आज हमने चाइनीज वस्तुओं का यहाँ पे दहन किया गया है और चाइनीज जो राष्ट्रपति है उसका हमने यहाँ पे पुतलों का दहन किया है, क्योंकि चाइना ने जो कायराना हरकत की है उसकी हम निंदा करते हैं।